राफेल पर राज से लेकर राहुल गांधी के भाषण तक पल पल बदलते रहे लोकसभा के रंग। संसद के शीतकालीन सत्र में पीएम मोदी के 1 जनवरी को दिए इंटरव्यू पर जमकर सियासी संग्राम हुआ। जहां राफेल पर कांग्रेस हमलावर रही, वहीं भाजपा ने इसे देश की सुरक्षा के प्रति खिलवाड़ बताया। आज पूरे दिन लोकसभा का रंग पल पल बदलता रहा। तस्वीरों में देखिए लोकसभा की पूरी कार्यवाही। लोकसभा में बुधवार को राफेल डील पर जमकर हंगामा हुआ, जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अनिल अंबानी को ए कहकर संबोधित किया। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्यू कहकर क्वात्रो की को संबोधित किया। लोकसभा में राहुल गांधी ने राफेल पर अपनी बात रखते हुए कहा कि जब नरेंद्र मोदी फ्रांस गए थे तब वहां के राष्ट्रपति से मिले थे। रक्षा मंत्री परिकर ने कहा कि उन्हें डील में बदलाव का पता नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जल्दी के चक्कर में 36 विमानों का सौदा क्यों किया। राहुल ने कहा कि वायुसेना से बिना पूछे विमान की संख्या बदली, कीमत 526 करोड़ से 1600 करोड़ कैसे हुई। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी के कहने पर अनिल अंबानी को ठेका दिया गया। क्या क्या कहा राहुल ने पीएम के इंटरव्यू में व्यक्तिगत आरोप नहीं लगने की बात का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, आज पूरा देश आप पर उंगली उठा रहा है। राहुल ने सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया कि मोदी सरकार ने 126 विमानों की लिस्ट घटाकर 36 कर दी, वायुसेना की जरूरत की लिस्ट क्यों बदल गई? राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, राफेल में सरकार जांच कराए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सदन में गोवा के कथित मंत्री के टेप सुनाने की मांग को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी और परिकर को आड़े हाथों लिया। हालांकि जेटली की आपत्ति के बाद स्पीकर ने टेप सुनाने की मांग को खारिज कर दी। राहुल ने इसके बाद टेप के अंशों को पढ़ने की भी मांग की, जिसे भी खारिज कर दिया गया। निर्मला सीतारमण के एक मैगजीन के बयान का जिक्र करते किया राहुल ने कहा कि रक्षा मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री को राफेल के में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस टेप में परिकर ने कहा कि मेरे पास राफेल की फाइलें पड़ी हुई हैं और पूरा सच मेरे पास पड़ा हुआ है। राहुल ने कहा कि राफेल मामले में पूरी दाल ही काली है। पीएम पिछली बार मेरे भाषण के बाद घंटा भर बोले, मगर राफेल पर चुप्पी साधी। राफेल पर प्रधानमंत्री मोदी अपने कमरे में, जबकि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आईडीएमके के सांसदों के पीछे छुप जाती हैं। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि इस मामले में जांच नहीं हो। उन्होंने जेपीसी की मांग को भी दोहराया। राहुल ने मांगी टेप सुनाने की इजाजत। राहुल ने स्पीकर से टेप सुनाने की मांग की, लेकिन स्पीकर ने मना कर दिया। इसके बाद राहुल ने कहा, राफेल डील 3 खंभों पर है, पैसा, संरक्षण और कीमत। किसने वायुसेना की जरूरत में बदलाव किया? स्पीकर के इनकार करने पर राहुल ने कहा कि ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं सुनाऊंगा। कांग्रेस के टेप पर दावे पर सरकार ने कहा कि टेप की प्रमाणिकता साबित करें। राहुल जेटली में तकरार। राहुल से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि टेप पर प्रमाणिकता दें। अनिल अंबानी का नाम लेने पर स्पीकर के राहुल को टोका, तो उन्होंने अनिल अंबानी को AA कहकर संबोधित किया। राहुल ने कहा कि राफेल का पूरा सच मेरे पास है। जेटली ने कहा, लोकसभा में नारे लग रहे हैं, माँ बेटे चोर हैं, बोफोर्स, नेशनल हेराल्ड और अगस्ता मामले में गांधी परिवार का नाम है। बचपन में वे क्या क्यू क्वात्रो की गोद में खेले। बोफोर्स की डायरी में लिखा था, क्यू को बचाओ। राहुल को सच पसंद नहीं है। सोनिया, राहुल का नाम क्यों लिया गया? इस परिवार को सिर्फ पैसों की समझ है। जेपीसी की मांग। राहुल ने राफेल मामले पर जेपीसी की मांग को दोहराया। उन्होंने कहा कि दाल में कुछ काला नहीं था, पूरी दाल ही काली है। ए की जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाले। इस सौदे में जेपीसी जांच होनी चाहिए। इसी दौरान लोकसभा में कागज का जहाज उड़ाया गया। स्पीकर ने इस पर विरोध जताया। राजीव साटव और सुष्मिता देव को स्पीकर ने चेतावनी दी। जेटली ने आगे कहा, राफेल देश की सुरक्षा की जरूरत। राफेल में सही प्रक्रिया का इस्तेमाल हुआ है। राफेल वायुसेना की मांग थी।